यार जब बारिश शुरू होती है ना तो बाजार से हम पात्रा जरूर खरीद लाते हैं, लेकिन अगर घर का ही उगा हुआ पात्रा हो तो उसकी बात ही कुछ अलग होगी। तो चलिए आज घर के खेत के पात्रा से हम कुछ अलग डिफरेंट रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए इसे अच्छे से धोकर पोंछ कर ऐसे बारीक बारीक काट लेंगे, देखिए इस प्रकार से। तो बस अब ये बारीक बारीक और लंबा लंबा कट चुका है। मैंने थोड़ा सा इमली है ना उसको पानी में अच्छे से मिक्स करके रख दिया है, उसको भिगा कर। तब तक इसमें हम मसाले मिक्स कर लेते हैं। तो ये आ गया हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। ये अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट है और ये जो इमली है ना हमने भिगाया था उसके रस को अच्छे से निचोड़ कर ले लेंगे। बस अब इसमें चुटकी भर हींग, और मैंने एक बड़ा कप बेसन लिया है। इसे मिक्स करेंगे तो जो इमली का पानी है ना उससे ही ना ये गीला हो जाएगा। अगर आपको ज़रूरत हो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। और इसमें हम लोग दो शक्कर, हम डालेंगे 2 चम्मच शक्कर बैलेंस करने के लिए स्वाद को। तो चलिए एक डिश में हम अच्छे से तेल लगा देंगे और उसमें अच्छे से धीरे धीरे ये जो हमने मिश्रण बनाया है पात्रा का उसे दबाते हुए बिल्कुल पतला, जितना पतला हो सके उतना मिश्रण हम दबा दबा कर ले लेंगे। और थाली के चारों तरफ मतलब पूरी गोलाई में अच्छे से फैला देंगे। तो चलिए ये तैयार है। फिर धीमी आंच पर तेल लगाकर तवे पे रख देंगे और इस प्लेट को हम उल्टा प्रेस करके थपकी मार के उठाएंगे। तो जैसे ही तेल लगा हुआ है ना वो पात्रा हमारा अलग हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा चाकू से कट कर देंगे। बस धीमी आंच पर इसे थोड़े टाइम एक तरफ से अच्छे से पकने देंगे। तो जैसे ही ये एक तरफ पक जाए हम इसे पलटी मारेंगे। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बनाना क्या चाहती हूँ। तो चलिए थोड़ा इसमें अच्छे से तेल लगा देंगे और ऊपर डालेंगे अच्छे से मियोनीस और ये टोमेटो केचप। बस मियोनीस और टोमेटो केचप के बाद बारी आती है प्याज की। तो ये स्प्रिंग नहीं सादा ऑनियन है जो घर पे रहता है, और ऊपर से आ गया मोजरेला चीज़। अब तो आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। और ये हम जो छीनने वाला आता है ना चीज़, उससे धीरे धीरे चीज़ घिस लेंगे। बस ऊपर से चीज़ घिसने के बाद इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो। तो ये है ना आप अच्छे से है ना ऊपर से छिड़क दीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो आप सेजवान चटनी भी डाल सकते हैं। सेजवान चटनी की मुझे इसमें आवश्यकता नहीं है। तो बस टोमेटो केचप डालिए और इसको धीमी आंच पर सेकने दीजिए। देखिए ये कितने अच्छे से इसमें का जो चीज़ है ना वो मेल्ट हो गया है, ये दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है। तो बस आप भी बनाइए घर पर पात्रा पिज़्ज़ा, और ये डिश देखकर आपको कैसा लगा, क्या आपने ट्राई मारा, तो मुझे ज़रूर करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं KGF कविता गुप्ता फोर्ट।